इस साल की शुरुआत में मैंने मेरे कुछ दोस्तों के साथ रण ऑफ कच्छ विजिट करने का सोचा था और उसी प्लान के चलते हम लोगों ने एक एडवेंचर कैंप बुक किया था। अब अहमदाबाद में पूरा एक दिन स्पेंड करने के बाद हम लोग को हमारे एडवेंचर कैंप के गाइड ले गए थे 8 घंटों के एक मुश्किल जर्नी से भुज हमारे कैंप साइट पर। सफर चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना था, लेकिन एंड में जब हम लोग हमारे बस से नीचे उतरे और वहाँ की मॉर्निंग एक्सपीरियंस की, तब ऐसे लगा जैसे पूरे दिन की एनर्जी हमें मिल गई हो उस वक्त। और उसी एनर्जी के साथ हम लोगों ने हमारे दिन की शुरुआत की। थोड़े लाइट एक्टिविटी और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज करने के लिए गए थे। अब क्योंकि हम लोगों ने एक एडवेंचर कैंप बुक करके रखा था, तो यहाँ पर आपको लग्जरियस एम्यूनिटीज तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ पर नहाने के लिए आपको 40 लोगों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा और अगर आपको अच्छे से सोना होगा तो आपको वहाँ के 20 लोगों के खर्राटों की आदत हो जानी चाहिए। मुश्किल लग रहा होगा ना, पहले भी हमें यही लगा था, लेकिन वो कहते हैं ना, मैजिक आपको हमेशा आपके कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलेगा। अब मैजिक का तो पता नहीं, लेकिन इस ट्रिप पे मजे जरूर आए थे। कमिंग बैक टू द ट्रिप, हम लोगों ने वहाँ पे थोड़े बहुत एडवेंचर एक्टिविटीज किए। वहाँ पे एक एक्टिविटीज का कोर्स था, वो पूरा कंप्लीट करने के बाद एंड में हमें जिपलाइन करना था। जिपलाइनिंग के पहले सोचा था थोड़ी फटी पड़ी रहेगी, लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत मजा आया। अब ऐसे एक्सपीरियंस के बाद हम लोग थोड़ी देर ठहर गए। के धीमेपन को थोड़ा सा महसूस करके आगे बढ़े। लंच के बाद हम लोग तैयार हो गए थे और हमारा अगला डेस्टिनेशन इस पूरे ट्रिप का हाईलाइट था, जिसके लिए हम लोगों ने ये ट्रिप प्लान की थी, रण ऑफ कच्छ। लेकिन हमारे आखिरी डेस्टिनेशन से पहले हम लोगों ने रणोत्सव में ही थोड़ी देर के लिए स्टॉप लिया था। वहाँ पे थोड़ी शॉपिंग करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे। बहन और एक दोस्त के लिए बांधनी के दुपट्टे ले लिए। होपफुली दे लव इट। पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कृष्णा कुछ ना कुछ मस्ती तो कर ही रहा था। This is Krishna Gopal from this side. So guys, we are in Ran of Kutch right now, and this is one of the best places that I ever visited right now. Okay, Khale, you can go. Okay, Khale is not able to do it, so welcome back again. This time Krishna Gopal again this side, and this time I'll show you something new. Okay, not my face, but yeah. अलग कैसे करते हैं भोसड़ी के। थोड़ी बहुत वहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए और एंड में हम लोग पहुँच गए थे द वाइट डेजर्ट, द रण ऑफ कच्छ। वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पे हम लोगों ने ATV राइड की थी। उस जगह को महसूस कर रहे थे, उस जगह को एंजॉय कर रहे थे, वहाँ के मोमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे थे। वहाँ पर जिस वक्त सनसेट हो रहा था, वहाँ पे कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट थे। वहाँ पे ऐसे लगा जैसे नेवर एंडिंग लैंड था। दूर दूर तक सिर्फ बंजर ज़मीन ही दिखाई दे रही थी, लेकिन उस बंजर ज़मीन पर भी ना एक कामनेस थी जो फील हो रही थी। मैं जितना भी आपको ये इन सब के बारे में बताऊँ वो शायद कम ही होगा, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही सजेस्ट कर सकता हूँ कि ऐसी सब जगहों पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। इन जगहों को खुद से महसूस करना चाहिए। कच्छ पर सनसेट हो गया, बहुत ही प्रिटी कलर्स है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। बस बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इस साल भी मुझे ट्रैवल करने का मिला और इस साल का सबसे पहला डेस्टिनेशन है रण ऑफ कच्छ है। जिस चीज़ को हमेशा वीडियोस में देखा, उसे एक्चुअल में देखने में ना अलग मज़ा है। ऐसी जगहों पे जाके ना सच्ची महसूस होता है कि यार हम कितने छोटे हैं और ये दुनिया कितनी बड़ी है, और इस पूरी दुनिया को देखना ना हम सबका सपना होना चाहिए। सूरज ढलने के बाद हम लोग वहाँ से इसी सब कामनेस और इसी सब मैजिक को अपने अंदर समेटे हुए निकल गए और रास्ते भर में गाते हुए हम लोग वापस लौट आए हमारे कैंप साइट पर, जहाँ पे हम लोगों ने बॉनफायर लगा के कुछ बातें कर ली और डिनर करके हमारी रात ख़त्म कर दी। आई होप आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।